हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विनीता और आज हम मिलकर बनाने जा रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र की फेमस ट्रेडिशनल स्वीट रेसिपी बासुंदी। फ्रेंड्स, अभी का जो सीजन चल रहा है उसमें सीताफल या कस्टर्ड एप्पल बहुत मिलता है। आपने मिल्क को स्ट्रॉबेरी और मैंगो के साथ तो कई बार खाया होगा। आज हम मिल्क और सीताफल से एक स्वीट रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। मैंने एक बड़ी कढ़ाई में 2 लीटर फुल फैट अमूल मिल्क लिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। जब तक दूध में अच्छे से उबाल आने लगे तो गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। रबड़ी बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम दूध को भी धीमी आंच पर पकने देंगे। 6 से 7 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसमें मलाई की एक लेयर ऊपर की ओर उठ रही है, तो इसे हम एक पतली बेम्बू स्टिक की हेल्प से निकाल लेंगे और इस तरह से कढ़ाई के किनारों पर चिपका देंगे। ये प्रोसेस हमें 6 से 7 मिनट में करनी है। आप रबड़ी को एक लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। दूध को आपको किसी कलछी या स्पैचुला की हेल्प से नहीं चलाना है, नहीं तो रबड़ी लच्छेदार नहीं बनेगी। हमें इसी तरह से बेम्बू स्टिक से इसकी मलाई को सिर्फ उठाना है और कढ़ाई के किनारों पर रखना है। दूध अब गाढ़ा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मैंने बेम्बू स्टिक की हेल्प से मलाई को किनारों पर अच्छे से रख लिया है। इस प्रोसेस की वजह से ही हमारी रबड़ी एकदम लच्छेदार बनेगी। आप इसमें इलायची पाउडर, केसर या जायफल पाउडर भी मिला सकते हैं, लेकिन आज मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। दूध अब गाढ़ा होने लगा है तो अब हम इसमें एक छोटा कप शुगर मिला देंगे। चीनी के घुलने तक हम इसे पकाएंगे और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने 2 लीटर दूध में 1 छोटा कप चीनी ऐड किया है। आप इसमें बहुत ज़्यादा चीनी ना मिलाएं क्योंकि सीताफल भी बहुत मीठा होता है और रबड़ी में थोड़ी कम चीनी रहेगी तो रबड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। चीनी जब तक घुल रही है तब तक हम सीताफल का पल्प निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने यहाँ पर 2 कस्टर्ड एप्पल लिए हैं। अब हम स्पून से इसका पल्प निकाल लेंगे और इनके जो सीड होते हैं ना उनको हम निकाल लेंगे इस तरह से। चीनी एकदम घुल चुकी है। अब हम एक स्पैचुला की हेल्प से किनारे पर जो मलाई चिपकी हुई है उसे हम निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई को एक ढक्कन से ढक देंगे ताकि भाप की वजह से ये मलाई गल जाएगी और अच्छे से निकल जाएगी। देखिए कितनी लच्छेदार बनी है हमारी रबड़ी। रबड़ी बनाने में मुझे पूरे 2 घंटे का टाइम लगा है। रबड़ी एकदम बनकर तैयार है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए हमने सीताफल का सारा पल्प रेडी कर लिया है। अब हम इस पल्प को रबड़ी में मिक्स कर देंगे अच्छे से। बासुंदी बनाने के लिए मैंने 2 सीताफल का यूज़ किया था। आप चाहें तो 3 या 4 सीताफल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम कस्टर्ड एप्पल को इस रबड़ी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और रोज़ पेटल से हम गार्निश कर लेंगे। आप इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डाल सकते हो। आप अपने घर पर किसी भी ओकेज़न में या लंच डिनर पार्टी में इसे स्वीट डेजर्ट की तरह बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपको कस्टर्ड एप्पल पसंद है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही यम्मी लगती है। इस सीज़न में कस्टर्ड एप्पल की ये स्वीट रेसिपी आप ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।